वही क्वेश्चन करते हैं, ये फोर्थ मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव, वही सब कुछ है, एक पार्टिकल ए है, वन पार्टिकल है ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये पार्टिकल बी यानी टू पार्टिकल है ये v2 से मूव कर रहा है, ये सेपरेशन था l1, ये पूरा सेपरेशन था l2, और मिनिमम सेपरेशन उनके बीच में पूछा गया था। तो अगर हम टू के रिस्पेक्ट में देखें, विद रिस्पेक्ट टू टू, टू के रिस्पेक्ट में सब कुछ एनालाइज करते हैं, तो टू तो आपका रेस्ट में आ जाएगा, टू तो आपका रेस्ट में आ जाएगा, और ये जो v2 वेलोसिटी है वो 1 को मिल जाएगी डायरेक्शन अपोजिट करके, यानी इस तरह v2, यानी v1 और v2 का जो रिजल्टेंट होगा 2 के रिस्पेक्ट में, 1 जो है वो कहीं इस तरफ इस तरह से मूव कर रहा होगा। ठीक, तो अगर इस लाइन को हम ड्रॉ करें तो 2 के रिस्पेक्ट में 1 जो है वो इस तरह से मूव करेगा। ठीक है, 2 के रिस्पेक्ट में 1 का पाथ जो है वो कुछ इस तरह से होगा। तो इनके बीच में जो मिनिमम सेपरेशन होगा, ढंग से देखना है आपको, दूसरे कलर से दिखाते हैं, इनके बीच में जो मिनिमम सेपरेशन होगा वो होगा 2 से इस लाइन पे परपेंडिकुलर, ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी यही मिनिमम सेपरेशन होगा। ठीक है, तो निकालना बहुत सिंपल है। अगर इनको हम नेमिंग करें, ये मान लिया ए है, ये बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी बी सी होगी, यानी मिनिमम सेपरेशन जो आपसे पूछा गया था वो होगा बी सी। तो इसको बी सी निकालने का एक तरीका और हो सकता है, हम क्या करें, हम इस ए सी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखें और उस ए सी स्ट्रेट लाइन पे पॉइंट बी से परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड कर लें, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, तो पहले इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। ठीक है, इक्वेशन के लिए हमें इस स्ट्रेट लाइन की स्लोप चाहिए। ठीक है, तो स्लोप के लिए अगर ये एंगल थीटा है, इस एंगल को हम थीटा लिखें, तो टेन थीटा कितना होगा आपका, टेन थीटा होगा v2 / v1। अगर वो एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा आपका, थीटा होगा। तो जो स्लोप होती है स्ट्रेट लाइन की m, अगर एंगल x की पॉजिटिव डायरेक्शन से, इसको x एक्सिस मान लेते हैं, इसको y एक्सिस मान लेते हैं, अगर एंगल x की पॉजिटिव डायरेक्शन से होता है तो स्लोप होती है प्लस टेन थीटा, और एंगल x की नेगेटिव डायरेक्शन से होता है तो स्लोप होती है माइनस टेन थीटा। और यहाँ पे जो एंगल है वो x की नेगेटिव डायरेक्शन से है। ठीक है, स्लोप क्या होगी इसकी, माइनस टेन थीटा, स्लोप आ जाएगी माइनस टेन थीटा, थीटा इज इक्वल टू है, टेन थीटा है v2 / v1, तो ये स्लोप आ जाएगी माइनस v2 / v1। ठीक है, स्लोप माइनस v2 / v1, स्लोप का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। अगर स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन से एक्यूट एंगल बना रही है तो स्लोप होगी उसकी प्लस टेन थीटा, और अगर स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरह से नेगेटिव डायरेक्शन से अगर एक्यूट एंगल बना रही है तो उसकी स्लोप होगी माइनस टेन थीटा। ठीक, स्लोप पता लग गई, कोई एक पॉइंट आपको पता है, ये पॉइंट पता है आपको, ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट होगा माइनस l1, 0, एक्स एक्सिस पे नेगेटिव साइड में है ये डिस्टेंस, ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितनी है l1, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा माइनस l1, 0। इक्वेशन फाइंड करते हैं स्ट्रेट लाइन की, y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1। ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करते हैं इसमें, y - y1 कितना है, y1 है आपका 0, इज इक्वल टू एम कितना है, -v2/v1 × x - x1, -x1 तो ये +l1 हो जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मिलने वाली है आपको v1y + v2x + v2l1 इज इक्वल टू 0, ये है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अब हमें इस स्ट्रेट लाइन पे एक और पॉइंट है हमारे पास, ये बी पॉइंट कितना होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, -l2। ठीक है, ये ओरिजिन से वाई एक्सिस पे कितना नीचे है, l2 नीचे है, तो इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, -l2। इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन एसी पे हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कंसेप्ट मैं बता देता हूँ क्या होता है, कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन दी है ax + by + c = 0, इस स्ट्रेट लाइन पे आपको कोई पॉइंट है x1, y1 से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ होती है वो होती है मॉड ax1 + by1 + c / √ x का जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर,
प्लस वाई का जो कॉफिशेंट है उसका स्क्वायर। ये होती है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए स्ट्रेट लाइन। ठीक, तो स्ट्रेट लाइन है आपके पास, आपके पास पॉइंट भी है, बस वैल्यूज पुट करनी है। तो परपेंडिकुलर की लेंथ, मिनिमम लेंथ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बी सी कितना आने वाली, मॉड वैल्यू पुट करते हैं जरा इसमें। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जीरो, वाई की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस एल टू। तो एक्स वाई की जगह माइनस एल टू, तो माइनस एल टू वी वन। एक्स की जगह जीरो पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस वी टू एल वन मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स के कंपोनेंट, एक्स का जो कॉफिशेंट है उसका स्क्वायर वी टू स्क्वायर, प्लस वाई का जो कॉफिशेंट है उसका स्क्वायर, प्लस वी वन स्क्वायर। और यही मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उनके बीच में, तो क्या आ रही है, मॉड वी टू एल वन माइनस वी वन एल टू अपॉन अंडर रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। अब यहां देखो मॉड लगा है, तो अगर ये वाला टर्म ज्यादा हुआ, वी टू एल वन ज्यादा हुआ, तो हो जाएगा वी टू एल वन माइनस वी वन एल टू। और अगर अब वी वन एल टू वाला टर्म ज्यादा हुआ तो यही मॉड बन जाएगा वी वन एल टू माइनस वी टू एल वन। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मॉड एक्स की वैल्यू प्लस माइनस एक्स कुछ भी हो सकती है। प्लस एक्स अगर एक्स पॉजिटिव है, और माइनस एक्स अगर एक्स कैसा है आपका, निगेटिव है। ठीक, तो ये होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक बार पता लग गई है तो टाइम तो आप फाइंड कर लोगे कि वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो भी हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे एक बार देख लेते हैं। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, तो वो वही होगी अंडर रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। रिजल्टेंट वेलोसिटी है वन की टू के रिस्पेक्ट में। और कितनी डिस्टेंस उसको ट्रेवल करनी है सी तक पहुंचने के लिए, तो जो टाइम लगने वाला है वो जाएगा टोटल डिस्टेंस ए सी अपॉन वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। ठीक है, ए सी कितना होगा, तो इसको कुछ नाम दे देते हैं इस पॉइंट को डी। तो ए सी जो होगा वो हो जाएगा ए डी प्लस डी सी। और ए डी और डी सी हम अलग अलग फाइंड कर चुके हैं किसी एक सॉल्यूशन में, तो वहां से आप देख सकते हो ए डी कैसे फाइंड किया है, आप खुद से फाइंड कर सकते हो, और डी सी कैसे फाइंड किया है। ए डी जो होगा वो हो जाएगा आपका एल वन अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये थीटा है, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 माइनस थीटा होगा, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। और DC जो होगा वो हो जाएगा आपका टेन थीटा अगर हम लगाएं, तो BC अपॉन DC, सॉरी DC अपॉन BC होगा टेन थीटा, तो DC आ जाएगा BC इंटू टेन थीटा। ठीक, BC हमने अभी फाइंड किया है मिनिमम सेपरेशन, टेन थीटा आपको पता ही है। तो यहां से हम A से D और D से C ये पूरी लेंथ फाइंड कर लेंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो आपको टाइम मिल जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी होगी, आप खुद से करो तो ज़्यादा बेहतर है।